Hello everyone, this is Amjad Ali and today we are going to start a new series of Microsoft product C#. So before starting C#, we just have to make an intro of .NET framework. तो आज हमारे पास introduction होगा कि what is .NET framework. ठीक है जी, तो आपके पास ये .NET framework करता क्या है? Clear? Okay. तो आपके पास .NET framework actually है क्या? तो according to Microsoft, there is no any full form of .NET and there is no any standard definition for .NET. तो आपके पास according to Microsoft, .NET framework की या .NET की कोई full form भी नहीं है, ना ही कोई उसकी standard definition है. Clear? तो .NET एक framework है और उसकी आपके पास ना तो कोई फुल फॉर्म है और ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है. सो एक्चुअली इट इज अ सॉफ्टवेयर. सो सिंपली आप कह सकते हो कि .NET एक सॉफ्टवेयर है और एक प्रोडक्ट है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू क्रिएट वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस. तो आपके पास .NET एक सॉफ्टवेयर है और जिसके अंदर हम वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं. ओके जी, तो आपके पास कौन सी और किस किस टाइप्स की एप्लीकेशंस इसके अंदर बन सकती हैं? तो आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बन सकती हैं, आपके पास वेब एप्लीकेशंस बन सकती हैं और आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन सकती हैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर. क्लियर? तो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप एक ही .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करो और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू कैन मेक ओवर हियर. ओके, सो बाय यूजिंग ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी और C++ वी कैन नॉट क्रिएट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. तो जब हम पहले सी और C++ यूज किया करते थे तो आपके पास ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए एक अलग अलग पर्पस हुआ करता था. यानी कि यूजिंग वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी रिक्वायर अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर ईच टाइप ऑफ एप्लीकेशन. यानी कि अगर हमें कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन रिक्वायर है तो हम सी या सी प्लस प्लस या विजुअल बेसिक यूज कर लेते हैं. इफ वी वांट टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन वी नीड PHP, ASP, JavaScript, etc. तो यानी कि हर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एक अलग लैंग्वेजेस का ग्रुप या एक अलग लैंग्वेज रिक्वायर हुआ करती थी. एज इट इज इफ वी वांट टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन, और मोबाइल एप्लीकेशंस का जो इंट्रो हुआ है आपके पास वो अर्ली 2000 के अंदर ही हुआ है, उससे पहले मोबाइल एप्लीकेशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. वी नीड सिर्फ जावा और पाइथन. तो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो मोबाइल एप्लीकेशन तो उसके लिए हमारे पास ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं, स्विफ्ट है, जावा है, पाइथन है, इवन हम C# भी यूज कर लेते हैं. ठीक है जी, और हम सो इफ यू वांट टू बी अ प्रोग्रामर यू मस्ट हैव टू नो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ एवरी लैंग्वेज टू वर्क. अगर कोई भी प्रोग्रामर होता है तो उसके पास जब तक मल्टीपल लैंग्वेजेस की स्किल्स नहीं होती या उसके अलावा अगर वो स्किल्स क्रिएट भी करना चाह रहा है तो उसको हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स याद रखना पड़ता है. क्लियर? अब एंड ऑल द अबव प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व यूजिंग .NET. अब देखें, आपके पास अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो आपको एक अलग से लैंग्वेज रिक्वायर है, इवन उसके लिए एक अलग से प्रोडक्ट रिक्वायर है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर. सी के लिए आपको टर्बो सी या डेव C++ इंस्टॉल करना पड़ता है. अगर PHP के ऊपर काम करना है तो आपके पास क्या रिक्वायर होता है? आपके पास रिक्वायर होता है जेम सर्वर और सारी चीज़ें. एज इट इज़ आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो या आपके पास इक्लिप्स या उसके अलावा पाइथन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर रिक्वायर होते हैं. तो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो उसके लिए एक तो लैंग्वेज अलग, एक तो उसको क्रिएट करने के लिए आपके पास कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एज वेल एज आपके पास हर एक चीज़ अलग अलग से आप इंस्टॉल करते हो. अब ये सारे इश्यूज एज वेल एज अगर एक ही प्रोग्रामर मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना चाह रहा है तो उसको एक एक लैंग्वेज का सिंटैक्स याद करना पड़ता है. तो इन सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए आपके पास
.NET framework is the best choice to using .NET, we can develop desktop applications, web applications, and mobile applications. By the support of Microsoft under .NET, it has provided a set of languages. अब .NET एक फ्रेमवर्क तो है, लेकिन ऑफिशियली उसके अंदर 40 प्लस लैंग्वेजेस हैं. क्लियर? अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, सो जनरली देयर इज अ कंफ्यूजन इफ यू हियर 40 लैंग्वेजेस इन .NET, दैट व्हाट इज अ नीड ऑफ दीज 40 प्लस लैंग्वेजेस इन .NET. तो अगर आप कह रहे हो कि भाई 40 प्लस लैंग्वेजेस होती हैं .NET के अंदर, तो अगर 40 प्लस लैंग्वेजेस हैं, तो आप क्या वो 40 प्लस लैंग्वेजेस को कैसे आप जो है उसको पढ़ोगे या उनको कैसे कवर करोगे इन .NET? क्लियर? तो यहाँ पे बट द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, तो अगर आपके पास इसको समझना है कि वो जो 40 प्लस लैंग्वेजेस है वो किस पर्पस के लिए है. डिफरेंट प्रोग्रामर्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एज वी नो लाइक सम पीपल कम फ्रॉम कोबोल बैकग्राउंड और पास्कल बैकग्राउंड और जावा और सी प्लस प्लस बैकग्राउंड. हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामर्स के ऊपर काम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर. जैसे कोई एक प्रोग्रामर है वो सी प्लस प्लस के ऊपर काम करता है, कोई ऐसा है जो कोबोल के ऊपर काम कर रहा है, कोई ऐसा है जो पास्कल के ऊपर काम कर रहा है. तो अगर वो प्रोग्रामर चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो हम सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बना सकते हैं, अगर वही प्रोग्रामर चाहते हैं कि हमें इससे रिलेटेड कुछ विथ मोर फीचर कोई लैंग्वेज रिक्वायर हो, तो उसके लिए उनका क्या होता है पर्पस कि उनको जो लैंग्वेज प्रोवाइड की जाती है उसका उनको फिर से सेंटेक्स समझना पड़ता है जिसके ऊपर उनको काम करना है. सपोज वो सी पढ़ के आए, जावा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो सी और जावा रिलेटेड तो है लेकिन दोनों के सेंटेक्स अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं. उसी प्रोग्रामर को बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है टू एक्वायर न्यू लैंग्वेज. So the all people come from different backgrounds and if they want to work in the same language, they will face some confusion to work. तो अगर वही प्रोग्रामर जो आपके पास C से आ रहा है वो चाहता है कि मैं C के अकॉर्डिंग कोई रिलेटेड लैंग्वेज फाइंड करूं और उसी के अंदर, क्योंकि C के अंदर सिर्फ बनती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो वो चाहता है कि मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उससे रिलेटेड या सेम सेंटेक्स की कोई लैंग्वेज मिलती नहीं है. लेकिन ये इश्यू हैंडल किया है माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क ने कि आप वन लैंग्वेज. सो माइक्रोसॉफ्ट व्हाट हैव डन इज इट हैज गिवन यू मल्टीपल लैंग्वेजेस. यानी कि अगर कोई बंदा सी के बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज या रिलेटेड लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी गई है. सो इफ यू कम फ्रॉम अ पार्टिकुलर बैकग्राउंड, so you can use a particular language that is available over here. So suppose you come from C or C++, और अगर आपने C और C++ के ऊपर ही काम किया है तो Microsoft ने .NET framework के अंदर आपके लिए C# provide की है, जो बहुत ही related है आपके उन्हीं दोनों languages से, C से और C++ से, with some minor changes. और उसके अलावा and what we have done in C or C++, we can do in C# with minor differences. हम जितना भी काम C और C++ के अंदर करते हैं ना, हम वही पूरा काम C# के अंदर कर सकते हैं, लेकिन C और C++ के अंदर हम सिर्फ बना सकते थे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन आप उसी C और C++ के इंस्टीड में अगर आप C# यूज करोगे तो C# के अंदर हम तीनों किस्म की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन हो. सो इफ यू कम फ्रॉम विजुअल क्लासिक बैकग्राउंड, माइक्रोसॉफ्ट हैव गिवन यू अ लैंग्वेज कॉल्ड VB.NET, सेम इट इज. तो आपके पास अगर आप विजुअल बेसिक के बैकग्राउंड से आए हैं, जो आपके पास 1990s की अंदर आपको ये प्रोवाइड की गई थी विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, तो अगर आप उसी के ही अंदर काम करना चाह रहे हो, यानी कि अगर आपने उस विजुअल क्लासिक के ऊपर काम किया है और आपको उसी का ही सेंटेक्स याद होगा, उसकी ही सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ एडवांस या कोई एनहेंस्ड लैंग्वेज चाहिए, तो आप VB.NET यूज़ कर सकते हो विथ मोर फीचर्स. और उसके अलावा वी हैव अ सी विजुअल C++ .NET, F#, .NET, और उसके अलावा
जे शार्प डॉट नेट। अच्छा, अगर आप जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप जे शार्प यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आए हैं तो आपके पास विजुअल सी प्लस प्लस है। ठीक है जी। सो एक्चुअली प्रोग्रामर हैज अ चॉइस ओवर हाउ टू चूज अ लैंग्वेज। तो प्रोग्रामर के पास एक चॉइस है जिसकी वजह से वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड करता हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेट करता है, वो किसी भी न्यू लैंग्वेज को डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि उनके सेंटेक्स रिलेटेड हैं और एक लैंग्वेज का कोड हम दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजली। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स एंड टूल्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो आपके पास कंपोनेंट एंड टूल्स डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से हैं? तो डॉट नेट APIs फॉर स्टोर UWP एप्स, यानी कि इसके सारे टूल्स एज वेल एज इसके अंदर जो आपके पास कुछ आप कह दो कि लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपके पास सपोज पैरेलल लिनिक है, टास्क पैरेलल लाइब्रेरी है, एंटिटी फ्रेमवर्क है, WPF है आपके पास, और इसके अलावा WCF है, विनफार्म्स हैं, कार्ड स्पेस है, ASP.NET है, EDO.NET है। अच्छा, उसके बाद है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, और आपके पास कौन सी चीज़ कौन से वर्जन में आई है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि 2012 के अंदर 4.5 वर्जन जो अभी आपके पास चल रहा है उसके अंदर ये चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं, 4.0 के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, एज इट इज़ आपके पास 3.5 के वर्जन के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क और लिनक्स प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही आपके पास ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। ओके जी। अच्छा, इट मेनली इंक्लूड टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। आपके पास जो कंपोनेंट है इसके, या आप टूल्स जो कहते हो, उनके अंदर दो चीज़ें जो मेन है, एक है CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और उसके अलावा आपके पास बेस क्लास लाइब्रेरी जिसे हम फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं, FCL कह दो या BCL कह दो। क्लियर। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रेजेंट्स रन टाइम इन्वायरमेंट नोन एज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम दैट रन ऑल द डॉट नेट प्रोग्राम्स। यानी कि इस CLR का काम क्या है कि जितने भी प्रोग्राम डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको रन करना, ये सारा काम किसका है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का। द कोड दैट रन अंडर द CLR इज नोन एज मैनेज्ड कोड। तो हम जितना भी कोड CLR के अंदर रन करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये मैनेज्ड कोड है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास कि ये क्लास लाइब्रेरी क्या है, या हम जिसे बेस क्लास लाइब्रेरी कहते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बेस क्लास लाइब्रेरी, या आप कह दो कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। व्हेन यू एक्सेस द लाइब्रेरी क्लासेस एंड मेथड्स इन VB.NET will be the similar in C# and it is common for all other languages in .NET। तो हम जितनी भी लाइब्रेरीज या जितने भी क्लासेस मेथड्स कॉल करवाते हैं ना .NET फ्रेमवर्क से, तो वो उन सारी लैंग्वेजेस को जो सपोर्ट करवाता है वो सारी लाइब्रेरीज वो आपके पास FCL जिसे आप कहते हो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन है जाहिर है वो ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस मेथड्स और लाइब्रेरीज को यूज करती हैं, तो उनको जो सपोर्ट करवाता है वो आपके पास है क्लास लाइब्रेरी, या आप बेस क्लास लाइब्रेरी कह सकते हो। क्लियर। द अदर फॉलोइंग एप्लीकेशन दैट कैन मेक यूज ऑफ डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी। तो हम डॉट नेट के थ्रू कौन कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं? आपके पास है विंडोज एप्लीकेशन है, विंडोज सर्विसेज हैं, वेब एप्लीकेशन है, XML वेब सर्विसेज हैं, कंसोल एप्लीकेशन हैं, ये सारी हम बना सकते हैं। अच्छा, आपके पास कुछ इसके अदर कंपोनेंट्स भी हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, अब वो कौन कौन से हैं? तो आपके पास एक कॉमन टाइप सिस्टम। अब इसका क्या पर्पज है? इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स दैट कैन बी रिटन इन अदर डॉट नेट लैंग्वेजेस इन कॉमन। CTS प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट्स दैट यूज डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेजेस कैन ईजली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। यानी कि हम जितने भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं या राइट करते हैं डॉट नेट लैंग्वेजेस के अंदर, उनको सपोर्ट करवाने के लिए, अब सपोज एक लैंग्वेज के अंदर आपने कुछ डेटा टाइप वगैरह लिखे और वही डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं किसी और डेटा टाइप लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे भी सपोर्ट करवाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। यानी कि जितने भी डेटा टाइप होंगे उनको हम कॉमन कर देते हैं फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। उसके बाद आपके पास
कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, इट इज अ सबसेट ऑफ CTS, यानी के उस कॉमन टाइप सिस्टम का ही एक सबसेट है, एंड इट इंश्योर्स अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच सेटिस्फाइड बाय ऑल लैंग्वेज कंपाइलर्स टारगेटिंग CLR. इट हेल्प्स इन क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस एंड क्रॉस लैंग्वेज डीबगिंग. यानी के आप जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को सपोर्ट करवाते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, उन लैंग्वेजेस को आप उनके जो रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको ये इंश्योर करता है. यानी कि जितने भी हम डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं, उन डेटा टाइप्स को डिक्लेयर क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, तो ये सारे रूल्स इंश्योर करता है आपके पास कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है. और यही आपके पास क्या होता है, इसी कॉमन टाइप सिस्टम का एक सबसेट है. क्लियर? इट हेल्प्स इन क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस एंड क्रॉस लैंग्वेज डीबगिंग. यानी कि आपके पास एक लैंग्वेज का कोड हम दूसरी के अंदर यूज कर सकते हैं .NET के अंदर, तो जाहिर है वही डेटा टाइप यूज होंगे ना, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको इंश्योर करने के लिए कि वो सही से डिफाइंड है या नहीं है, वो आपका काम करता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. तो थैंक यू सो मच गाइस, और आज हमारा यही लेक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज C#. तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.